मैं निकला था यार घर के लिए, बट एक बुरी खबर आ गई जो कि मेरी फ़्लाइट होगी डिले। अब रात को है मेरी फ़्लाइट 1:30 बजे की। बाकी मैं एयरपोर्ट में वेट कर रहा हूँ, अभी जाता हूँ वेटिंग रूम में, आराम से लेट जाता हूँ। तो और थोड़ा डिटेल देता हूँ कि आपको बैंगलोर में कैसे एयरपोर्ट जाना है। एक बार यहाँ से आपका व्यूज दिखाता हूँ, मेरे को देखो कितना प्यारा व्यूज आ रहा है। तो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ माहौल है एकदम। ये देख सकते हैं मौसम ऊपर कलर डाउनफॉल में अच्छा लग रहा है एकदम। अब एक जगह बैठता हूँ, फिर एक थोड़ा थोड़ा करके डिटेल देता हूँ आपको कि मैं कहाँ से आपको आना है, कहाँ जाना है और कितने रुपए किराया है लगता है बस का, देन आफ्टर दैट यहाँ क्या क्या प्रोसेस होती है। प्रोसेस अभी मैं अंदर गया नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी 6-7 घंटे वेट करना ही है यहाँ, तो मैं सोच रहा हूँ लास्ट में जाऊँगा 12 बजे के 11:30 या 12:30 बजे जाऊँगा मैं यहाँ से अंदर। तब तो मैं आपको थोड़ा यहाँ के जो माहौल वाहौल क्या है कैसा है खान पान के बारे में बताता हूँ क्या क्या चल रहा है इधर। अगर देख सकते हैं यार बिल्डिंग देख रहे हो पीछे मेरे पीछे, भाई अपनी भी होगी एक दिन ऐसी याद रहेगा ये वाला। ये देख सकते हो यार कितना प्यारा है ना इधर ये बगीचा, मैं तो कहीं भी घुस जाता हूँ भाई मस्त बगीचा करके है। तो वहाँ पर वो लगता है जहाँ पर बोलता है ना बैठे रहते हैं, धमाल मम्मी देखे अपने यहाँ पर है, यहाँ से बोलता था वो सारे नाला लाल बटन दिख रहा है आपको यहीं से बोलता है वो इसी पर ठोकता है गाड़ी दबा दिया इसमें से बोलता है वो। स्मोकिंग जोन है इधर ये, आप स्मोकिंग कर सकते हो इधर। अब तो करता हूँ नहीं स्मोकिंग तो मेरा काम है नहीं यहाँ इधर स्मोक एरिया, पूरी व्यवस्था बना रखी है। और कैसे है और ये काफ़ी बढ़िया नज़ारा जो हम बोल दे सकते हैं। और ये रवि शास्त्री यार भाई रवि शास्त्री वहाँ से आ गया है यहाँ पर सेम लग रहा है यार। पुलिस वुलिस भी है काफ़ी चीज़ें यार इधर मन तो भर रहा है कैफे में जाने का, पर क्या ही करूँगा मैं वहाँ यार एक जगह बैठता हूँ मैं भी आराम से। जुकाम लगा यार रम पी लूँ क्या एक घुट, ये तो समझ नहीं आ रहा मेरे को व्यवस्था है। गया कि डिले है वास्तव में फ्लाइट, सो आपको बताते हैं क्या डिले है। मन कर रहा है एक घूट मार देता हूँ अब बैठता हूँ, पर मेरे को चार्जिंग पोर्ट ही मिल गया है यहाँ पर, फिर आराम से बैठता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आना है यहाँ क्या आना है। बात करता हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट कैसे पहुँचा जाए, सिंपल सी बात है। आपको अगर आप कहीं पर रहते हो आपको सबसे पहले आना है मैजेस्टिक, ठीक है। मैजेस्टिक आगे वहाँ पे प्लेटफॉर्म आउटसाइड रहता है, चीज़ें पूछ लेना वो बता देगा कहाँ पर जाते हैं। तो विराज ऐसे कुछ ब्लू कलर की बसें रहती हैं वहाँ पे, तो टर्मिनल के हिसाब से भी छोड़ते हैं आपको, छोड़ देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वहाँ से आपको किराया है आपका 245 पर पर्सन है आपको बैंगलोर के टर्मिनल की, अकॉर्डिंग टू टर्मिनल आपको वहाँ पर छोड़ देगा।
जो भी नया बंदा है और पहली बार ट्रेवलिंग कर रहा है मेरे तरह, तो उसके लटवे पड़ता है पहले कहाँ जाना है क्या होता है। तो मैं इसके माध्यम से बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको जाना है बैंगलोर मैजेस्टिक जा सकते हो या सिल्क बोर्ड भी जा सकते हो, दो जगह यहाँ से आपकी बसें आती हैं एयरपोर्ट के लिए, ठीक है। तो जुकाम पर लगे तो आवाज़ से नहीं आ रही होगी, और बाकी अगर फ्लाइट ऑन टाइम पे है तो कोई दिक्कत नहीं। आप डिले मेरी तरह तो फिर यार आता है वैसे बाल नहीं है और टेंशन हो जाती है। अब मैं 12 बजे डेली पहुँचने वाला था और अब बैड लक सुबह 5 बजे पहुँचूँगा, मतलब पूरा रात निकल गया। उससे पहले ट्रेन से आता तो टाइम से पहुँच जाता, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, देखते हैं प्रोसेस क्या क्या होती है। बाकी अभी पीछे की तरफ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे क्या है, बाकी प्रोसेस यही है यहाँ आने का। तो किराया ले लेगा आपको, एसी बस होगी, आराम से आ जाएंगे, टर्मिनल पर छोड़ देगा, ठीक है। ये वाली बात तो हो गई खत्म, अंदर की क्या क्या प्रोसेस होती है मैं आपको अंदर जाने के बाद दिखाऊंगा। ट्रेनिंग वगैरह हो गए है, मैं पहुँच गया हूँ अंदर भाई, बाकी देखते बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा कूल कूल देने मौसम बढ़िया जाते भाई भाई, अच्छा लगता है यार कभी कभी ऐसे। ये भाई अंदर जिसने नहीं देखा इंटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, देख सकते हैं इस टाइप का रहता है इधर, सब दुकान बहुत है यार इधर। एक भाई साहब वहाँ बेबी किसिंग कर रहे हैं, अरे इंडू इंडू वो मेरा किधर है, ओहो मेरा तो बहुत दूर है यार, मेरा चेक इन यहाँ पर होगा, लाइन क्या लगाना है, इधर लगाना पड़ेगा क्या। हेलो भाई चेक इन तो हो गया पूरा, इधर हो गया है, अभी अगर किस्मत रही साला अभी निकल जाता है, अब निकलना है मुझे 1:30 बजे, चेक इन वगैरह तो हो चुकी है। अब मुझे जाना यार गेट नंबर 40, फिर आगे प्रोसेस क्या क्या है फिर देखते हैं। कमाल बहुत है यार, लेकिन इतना चेकिंग कर देते हैं, नंगा कर देते भाई। इधर जाना है 8535 गेट नंबर 18 में जाना है यार, चल थोड़ा आगे घूम के आते हैं, आगे क्या आगे है मेरा गेट नंबर भी। वाह लग्जरी फील आ रहा है भैया, स्टॉप वॉक वाह। तो भाइयों कभी भी बैंगलोर दिल्ली कलकत्ता कहीं जाना हो कांटेक्ट करें मेरे से, आसानी से बता दूंगा कि हाँ भाई इधर से जाएगी करके, ठीक है। इधर बाहर है यार भाई, इधर अपना काम तो है नहीं, KFC कर रहा है, और इधर देखो ये लोग खुले में मज़ा कर रहा है, कैसा कैसा लोग है, जगह जुकाम लगा नहीं तो ये खाता यार बहुत, जो कोल्ड हो रहा है ना। ओहो लग्जरी हुई यार चीज, पैसा कमाना है भाई, पैसा से होगा सब कुछ लग रहा है मेरे को। मिलने वाला इधर यार, इधर जा के खाना मिलने वाला है भाई, हमें भी अभी खाना खाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फ्लाइट डिलीवर के इनके हो रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है अगर हमारी फ्लाइट 4-4 घंटे लेट होती है तो गाड़ा तो हमें ही है, अगर अपने फ्लाइट हो तो कितना मज़ा आएगा ना, अपने प्रस्तुत जेट हो तो ऊपर से पैसा दे दो 5 घंटे लेट 4 घंटे लेट, ये बात कुछ हजम नहीं है यार, कुछ करना पड़ेगा। फिलहाल तो गोवा वाले जा रहे हैं, फिर दिल्ली वाले की बारी है, देखना पड़ेगा कुछ, मिलते हैं आगे। गोवा वालों के लेट हुए थे, उनकी फ्लाइट भी जा रही है यार, बड़ी लंबी पीड़ा है गोवा वालों की। अब दिल्ली वालों की जाएगी 9 से 4 1:40, ये लगे पड़े हैं 1 by 1 चेकिंग हो रहा है इनका बोर्डिंग पास, फिर हमारी बारी आएगी बाद में। तो फाइनली अपना नंबर आ गया यार, इधर बोर्डिंग पास मांग रहे हैं भी, देते हैं इनको बोर्डिंग पास, देना पड़ता है ऐसे बलसिन हो जाएगा। ये नंबर लग गया अपना भी, इधर से आराम से बहुत कम है इसमें, तो क्या बात, दिल्ली जाने वाले कमी है क्या, अरे भीड़ लगी हुई इधर, सुनसानी पड़ेगी भाई 1:30 बजे जा रहे हैं यार अपने लोग। आगे मत क्या, कहाँ खड़ी है
दिल्ली से ले जा रहे हैं लोग। स्पेशल बस से जाते हैं तो ये आ गई, ये है एयरपोर्ट। मज़ा आ रहा है, ठंडा जो है दिल्ली में जो मज़ा आ गया। अब निकलते हैं मेट्रो से सीधा फरीदाबाद, बहुत दूर भी आ रहा हूँ उसे यार।